यहां सदगुरु सूफी संत इब्राहिम की कहानी सुना रहे हैं। वे एक राजा की तरह भव्य वेश में थे जब उनकी मुलाकात एक घुमक्कड़ भटकने वाले दरवेश से हुई जो भीख का कटोरा लेकर घूम रहे थे। सदगुरु कहते हैं, इब्राहिम एक महान सूफी संत थे जो किसी समय राजा हुआ करते थे। एक बार इब्राहिम मक्का की यात्रा कर रहे थे। उनके पास ऊंटों का बड़ा काफिला था और नौकर चाकरों का बड़ा दल था। एक रेगिस्तान में जितनी भी विलासिता संभव थी उसके साथ वे बहुत विलासी तरीके से यात्रा कर रहे थे। उनके तंबू बहुत ही आलिशान थे जिनके खूंटे भी सोने के थे। जो कुछ भी सोने से गूंथा हुआ मढ़ा हुआ हो सकता था वह सब कुछ वैसा ही था, सोने का। उनके कपड़े भी सबसे ज्यादा महंगे शानदार थे। एक अन्य सूफी जो इधर उधर भटकने वाले दरवेश थे उधर से गुजरे और इतने भव्य विलासी जीवन को देखकर सोचने लगे, ये आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हो सकते। जब उन्हें इब्राहिम से मिलने का मौका मिला तो उन्हें डांटते हुए बोले, आप कैसे सूफी हैं? आप अब भी अपनी सांसारिक संपत्ति को पकड़े हुए हैं, सोने के खूंटे भी। इब्राहिम ने बस सिर हिलाया और कहा, आप थोड़ा आराम कीजिए। रात में वे दोनों जब फिर मिले तो इब्राहिम बोले, कल सुबह जल्दी ही हम मक्का की ओर पैदल जाएंगे। दरवेश ने कहा, ठीक है, मैं भी वहीं जा रहा हूं। वे सुबह जल्दी उठे और साथ साथ चल पड़े। कुछ घंटे तक रेगिस्तान में चलने के बाद दरवेश को अचानक याद आया कि वे अपना भीख का कटोरा वहां भूल आए थे जहां वे सोए थे। उन्होंने इब्राहिम से कहा, मैं अपना कटोरा भूल आया हूं, वापस जाकर ले आता हूं। वे पीछे लौटने लगे। इब्राहिम ने उनकी ओर देखा और बोले, मैंने अपनी सारी भौतिक संपत्ति पीछे छोड़ दी है, ऊंट, सोने के खूंटे और भी सब कुछ। मैं बिना पीछे देखे चल रहा हूं और आप भीख के कटोरे के लिए पीछे वापस जाना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, सोने के खूंटे सिर्फ रेत में गड़े हुए थे, वे मेरे हृदय में नहीं गड़े थे। चाहे लोहा हो या सोना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने उन्हें सोने का बनाया, पर आप अपना भीख का कटोरा भी छोड़कर चलना नहीं चाहते। आप मक्का की ओर जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा पवित्र जगहों में भी सबसे ज्यादा पवित्र है, पर आप एक भीख के कटोरे के लिए वापस जा रहे हैं? मेरे पास तो मेरा भीख का कटोरा भी नहीं है। और इब्राहिम चल पड़े। आपके पास क्या है और क्या नहीं है? आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं या कैसे रहते हैं? इन सब से ये निश्चित नहीं होना चाहिए कि आप अपने अंदर से कैसे हैं। बाहर से आप जैसे चाहे रह सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने आप को अंदर से कैसे रखते हैं। वरना आप सब कुछ इकट्ठा कर सकते हैं पर आपके पास कुछ नहीं होगा। उस समय से जब मानव गुफाओं में रहता था, लोग सामान इकट्ठा कर रहे हैं। आप बच्चे थे तो चमकदार पत्थरों के टुकड़े एकत्रित करते थे। तब से अब तक कुछ नहीं बदला है। बात बस इतनी है कि पत्थर अब ज्यादा महंगे हो गए हैं। एक बच्चे के तौर पर आप उन्हें नदियों या समुद्र तट से लाते थे। अब आपको बड़ी रकम खर्च करके खरीदना पड़ता है, लेकिन कुछ भी बदला नहीं है। अब अभी भी इकट्ठा करने में ही लगे हुए हैं। लोग इतनी ज्यादा मात्रा में ये सब सजावटें इकट्ठी कर लेते हैं और उनसे बंध कर उनके आधार पर अपनी पहचान बना लेते हैं कि वे उस जीवन का
कभी अनुभव नहीं कर पाते जो वे स्वयं है। आप जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं, रिश्ते, नाते, परिवार, संपत्ति, जमीन, जायदाद, ज्ञान, विचार और वो सब कुछ जो आपके पास है, ये सब जीवन सजाने के लिए अतिरिक्त सजावटें हैं। लोग इतनी ज्यादा मात्रा में ये सब सजावटें इकट्ठी कर लेते हैं और उनसे बंद कर उनके आधार पर अपनी पहचान बना लेते हैं कि वे उस जीवन का कभी अनुभव नहीं कर पाते जो वे स्वयं है। आप जो चीजें इकट्ठी करते हैं वे चीजें जीवन नहीं है। उन्हें इकट्ठा करके आप अपने जीवन में पूर्ण होने का प्रयत्न कर रहे हैं। चीजें हासिल करके, इकट्ठा करके आप जीवन में पूर्णता पाना चाहते हैं। आप किसी तरह से यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आप का जीवन खाली न रहे, लेकिन आपके जीवन में सुंदर क्षण तभी आए हैं जब आप खाली थे। केवल खाली क्षणों में ही आपने जाना है कि प्रेम, आनंद और शांति क्या है, लेकिन तर्क की दृष्टि से, मानसिक रूप से आप ये सोचते हैं कि आप खालीपन बिल्कुल ही नहीं चाहते। अधिकतर समय मेरे मन में कोई भी विचार नहीं होता, मैं बस खाली रहता हूं। जो कार्य, गतिविधि मैं कर रहा हूं उसमें जितना जरूरी है उससे ज्यादा शायद ही कभी कुछ मैं बोलता हूं। मेरा मन इतना ज्यादा खाली होता है कि कुछ भी विचार करने के लिए या बोलने के लिए मुझे प्रयत्न करने पड़ते हैं। मैं अगर बस बैठ जाऊं तो मेरे पास न कोई विचार होता है न बोलने के लिए शब्द, मैं पूर्णतः खाली होता हूं। अगर आप पूर्णतः खाली हो तो आप देखेंगे कि सारा अस्तित्व आप में समा जाता है। अगर आपके पास कुछ योजनाएं, विचार है तो कहीं कहीं कुछ विचार अस्तित्व के साथ तालमेल में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप में ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप अपना कह सके, अगर आप बस एक खाली स्थान है, तो सारा अस्तित्व एकदम सही ढंग से आपका हिस्सा बन जाता है। अगर आप बिल्कुल ही पूर्णतः खाली हो जाते हैं तो आप कोई भी चीज इसलिए इकट्ठा नहीं करेंगे क्योंकि आप बस इकट्ठा करना चाहते हैं। आपके पास जो भी है उसका आप पूरा पूरा आनंद लेंगे, और यदि वो सब नहीं है तो उसके न होने का भी आनंद लेंगे। धन्यवाद।